अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नानेश्वर। आज हम अभी हम अकेले ही हैं, आज हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हमारे गए हैं, खाला के हैं अपनी, आज 3-4 दिन हो गए, तो अभी अकेले क्या बनाए, सोचा आज कोतमीर कलेजी बना लेंगे। तो ये हमने जो है हमारा 300 ग्राम कलेजी है गुर्दे के साथ, 3-4 गुर्दे हैं बाकी कलेजी। ये हम जो है 1/4 चम्मच अदरक लहसुन ले रहे हैं, और इसमें कोतमीर कलेजी में क्या कोतमीर ज़्यादा पड़ती है, तो हमारे पास इतनी है कोतमीर, और अभी हमने अपने हस्बैंड से मंगाया है। एक्चुअली क्या है ना, मंडे बाज़ार यहाँ लगती है, तो वहाँ पर वहाँ से हम इकट्ठा 30-40 रुपए की जूड़ी आती है वो ले लेते हैं, वो हमारा हफ्ता भर चलता है। अभी ज़्यादा यूज़ में आ गई तो ख़त्म हो गई, थोड़ी बची। फ़िलहाल हमने मंगवाया है, ये 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लेंगे, और ये 2 बड़े प्याज हैं, इनको थोड़ा मोटा ऐसा हमने स्लाइस कर लिया है। इसको हम हल्का सा तेल में, थोड़े से तेल में इसको फ्राई करेंगे 2-4-5 मिनट मुश्किल से। और ये 3 हरी मिर्ची ली हमने, और थोड़ी सी कोतमीर है लेकिन, और तेज़पत्ता लिया है, बाकी हम गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। और इसमें लेंगे 1 चम्मच धनिया की बुक्की लेंगे, 1 चम्मच, और 1/4 चम्मच लेंगे गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हम लोग। और आपके ऊपर है, आप डालना चाहें तो आप खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं और गरम पिसा हुआ भी मसाला डाल सकते हैं। और ज़ीरा राइस बनाएंगे हम, तो इसमें 1 तेज़पत्ता है, 1 छोटा मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ है, और 10 से 12 काली मिर्च है ये देखिए, और 1 छोटी इलायची है। गरम मसाला ज़्यादा नहीं यूज़ करते क्योंकि हमारे घर में पसंद नहीं करते गरम मसाला ज़्यादा, आपके ऊपर है, आप इसमें बड़ी इलायची भी ले सकते हो और दालचीनी की लकड़ी भी ले सकते हो। और ज़ीरा लेना है इसमें, 1/2 चम्मच हम ज़ीरा लेंगे ये देखिए 1/2 चम्मच हमने बघारे चावल ज़ीरा राइस में 1/2 चम्मच ज़ीरा लिया है हमने। तो ये हो गए हमारे चावल का मसाला, और कलेजी के लिए हम ये तेल हम स्टार्ट करते हैं गैस, ये हम थोड़ा सा 4-5 मिनट इसको हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज को। तो बच्चे लोग हैं नहीं, आज 4-5 दिन से नहीं है लोग, तो हमने सोचा आज कोतमीर कलेजी बनाएंगे, ज़ीरा राइस और 2-3-4 रोटी बनाएंगे तो बस हो गया। अगर वो पराठे के लिए बोलेंगे हमारे शौहर तो पराठा बना लेंगे। तो फिलहाल ये स्टार्ट करते हैं कलेजी बनाना, ये देखिए हाँ, ये हम डालेंगे तेल, बच्चे लोग आज बोले हैं आने को, रात में थर्सडे को गए हैं सब, हमारी बेटी की पूरी फैमिली, हमारे बेटे की छोटी खाला ने घर लिया है, तो वहाँ पे हम लोग बुलाया था, तो थर्सडे को गए हैं, आज इंशाल्लाह रात में डिनर करके हम लोग आ जाएंगे, तो हम 2 लोग के लिए इतना बहुत है। प्याज को हल्का सा बस तलेंगे, ज़्यादा लाल ब्राउन व्राउन नहीं करेंगे, बस वो एकदम नरम हो जाए थोड़ा सा बस, उसके बाद कोतमीर हरी मिर्ची और प्याज को हम एक साथ पीस लेंगे, उभार लेते हैं ताकि एक तरफ हमारे कलेजी हो। ये डालेंगे इसमें देसी घी, दो चम्मच देसी घी डाला है हमने, क्योंकि ज़ीरा राइस जो है देसी घी से ही उसका टेस्ट आता है अच्छा। तो हम इसमें डाल देते हैं, हींग डालेंगे हम, और 1/4 चम्मच पीसी हुई अपना काली मिर्च, ये देखिए काली मिर्च है, और 1/4 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 1/2 चम्मच अदरक का है, ये ज़ीरा राइस में डालेंगे क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये हम लोग कल चावल लेके आए थे लचकाड़ी वाला कोलम, ये देखिए लचकाड़ी वाला कोलम ये लाए थे कल, तो हमारे शादी कल बनाए थे प्लेन राइस, तो हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे, तो आज हम कलेजी बना रहे हैं तो हम सोचा ज़ीरा राइस बना लें, तो उससे अच्छा लग टेस्ट अच्छा लगता है खाने में, तो उनको ये चावल और वापस और लेने गए हैं वो। यहाँ फेज़ 2 में हम लोग के न्यू बॉम्बे में फेज़ 2 में बहुत अच्छा मिलता है चावल, बहुत एक से एक वैरायटी चावल की रहती है, सब पीस लेंगे।
हरी मिर्ची हमने, क्योंकि हमारी पाव 250 ग्राम कलेजी है तो हमने दो ही हरी मिर्ची ली, और हरी मिर्ची स्पाइसी बहुत है हमारी, वैसे भी हम लोग मिर्ची कम खाते हैं, आपके ऊपर है, आप अगर स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा लेना हरी मिर्ची। और बहुत से लोग लाल मसाले भी बनाते हैं कलेजी, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर मोस्टली ग्रीन का ही बनता है। अभी इसमें हम डाल दें, देखिए एक तेज़पत्ता डाला है, एक सेकेंड, एक तेज़पत्ता डाला तेल में, और तेल में इसमें ज़्यादा थोड़ा डाल देते हैं, क्या जल्दी ये एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा, इसी वजह से पाव चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर ले लें। इससे क्या होता है ना, ज़ीरा राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, एकदम पुलाव जैसा हो जाता है खाने में। इसमें भी हींग डालना पड़ेगा, कल या एक्चुअली हम सब चीज़ में ज़्यादातर हींग डालते हैं, हींग एक्चुअली फ़ायदेमंद भी बहुत है। 2-3 चम्मच कलेजी में भी हींग डाली है और ज़ीरा राइस में भी बघार में डाली है। इसमें लास्ट में जब राइस हो जाएगा तब हम डालेंगे इसके अंदर कोकोनट पुदीना थोड़ा सा ज़ीरा राइस में, जब तक कि हमारा ये प्याज है, देखिए प्याज इतना इस तरह से प्याज तला है हमने, हल्का सा तला है ये। अब ये थोड़ा से पहले थोड़ा बारीक हो जाए फिर प्याज डालेंगे, वरना प्याज हो गया हमारा। अब इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए ये इसमें डालेंगे, एक्चुअली एक पाव टिपली हमारे क्या माप है उसके हिसाब से हमने 250 ग्राम चावल लिए, क्योंकि दो लोग के हिसाब से बहुत हैं, बच भी जाएंगे। नमक जो है ये देखिए पाव चम्मच ही हमने लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल से 4-5 मिनट उबालेंगे, क्योंकि ज़्यादा उबालेंगे तो कलेजी ऐड जाती है, हल्का सा इसका बस वो निकल जाए, स्मेल थोड़ी किसी किसी कलेजी बहुत रहती है इसमें। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं कलेजी ऐसे बिना मतलब उबाले, लेकिन थोड़ा सा स्मेल बोलते हैं घर में सब, तो थोड़ा सा हल्का सा नींबू के टुकड़े डाले हैं इसमें और थोड़ा सा नमक डाला है इसमें। तो ये 2-3 मिनट हुए हैं, 2-3 मिनट और हो जाएं फिर हम गैस बंद कर देंगे इसका। और हमारा ज़ीरा राइस का हो गया प्याज, अब हम डालेंगे इसमें पानी, 250 ग्राम चावल है तो इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि पुराने चावल है पानी ज़्यादा लगता है, नमक थोड़ा कम लग रहा है चावल में, चावल में थोड़ा सा नमक और डालेंगे। ये हमारा कलेजी का मसाला, इसमें हमने सब डाल दिया, कोथमीर ज़ीरा हरी मिर्ची अदरक लहसुन सब, तेज़पत्ता डाला है, छोटी इलायची डाली है, देखिए 3 मिर्ची में हमने आधी मिर्ची निकाल ली है। चावल भी हमारे हो गए, चावल डाल दें हम, अब इसमें मसाले में नमक डालेंगे, मसाला हमारा भुनने को है, 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डालेंगे हम, और इसको 2-3 मिनट हम भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। डालेंगे दही 1/2 कप हिसाब से, 250 ग्राम कलेजी के हिसाब से 1/2 कप दही डालेंगे, और दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, मदर डेयरी का है ये, ज़्यादा खट्टा नहीं रहता, अच्छा रहता है दही, ये थोड़ा भून जाए। अब तो इधर हम राइस डाल देते हैं, पानी उबल रहा है हमारा ज़ीरा राइस, तो चावल डाल दिया हमने, कभी भी अगर घर में घी है तो घी में ही बघारी है, बहुत नमक सही है भी, बहुत टेस्ट रहता है इसका, देसी घी से ही उसका टेस्ट आता है। तो हमारा मसाला देखिए, ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है और 1 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा धनिया की भुक्की ले रही हूँ, ये इसमें डाल देते हैं, थोड़ा इसको भून लेते हैं।
खा लीजिए इधर, थोड़े छोटे छोटे पीस करना पड़ेगा गले जी के। एक्चुअली हम लोग के घर से थोड़ा बाज़ार भाजी तरकारी थोड़ी दूर है, तो थोड़ा इसलिए इकट्ठा लेके आ जाओ सामान तो फिर अच्छा। वैसे नीचे मिलती है बाजू की बिल्डिंग में, लेकिन अभी काम के टाइम कैसे जहाँ अकेले हैं हम घर में, देखो हस्बैंड को बोले वो लेके आएंगे, ईशा की नमाज़ पढ़ के लेके आएंगे। तो लास्ट में भी अच्छी कोतमीर अच्छी एक मतलब एक बंच अगर हो तो बहुत ही अच्छा है, उसको ले कर पीस के फिर लास्ट में डाल के भूनना कलेजी। पूरे मसाले भूनने के बाद अभी कलेजी हम डाल देंगे, क्योंकि कलेजी भी उबाल ली तो ज़्यादा उसमें उसको पकाना कुक नहीं करना पड़ेगा। तो कलेजी जब भूनेंगे तभी कोतमीर पीसी हुई डाल के भून लेंगे। ये हम स्लो आँच पे ही भूनेंगे, क्योंकि स्लो आँच पे भूनने से मसाला बहुत ही अच्छा भून के आता है। ये हमारा मसाला भुनने को आया कलेजी का, इसमें हमने प्याज भी डाल दिया है पिसा हुआ पेस्ट हुआ था प्याज का किया तो। अब हम डालेंगे इसमें दही, दो चम्मच भर के हमने दही डाला है। पास आँच में भून लेंगे, ये देखिए पास आँच में भून के फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि भुना ही भुना रखना, दाल नहीं बनाई हमने। और ये राइस हमारा हो गया, देखो जीरा राइस हो गया हमारा। तो अब रोटी बनाना है, रोटी पांच छह रोटी बहुत हो जाएंगी, मगर ये पहले हम पास आँच में भून लें, फिर थोड़ा सा आधा कप पानी डाल के उसको पीछे पाँच से सात मिनट पकने को रख देंगे, फिर हमारा कलेजी रेडी हो जाएगा। इसके लिए उनको एक्चुअली क्या है ना, वो खाने के माशाल्लाह से बहुत शौकीन है, और उनको एक ही टाइम लंच डिनर करते हैं लास्ट रात में, और दोपहर में लंच नहीं करते, ब्रेकफास्ट हैवी कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट रात में डिनर करते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है, फिर अपने को भी लगता है, उनको भी लगता है कि कुछ अच्छा खाना होना चाहिए। तो अभी ये हो गया तो कलेजी के साथ पराठे अच्छे लगेंगे, तो हमने सोचा उनके लिए तीन पराठे बना दें, तीन खाना होगा तीन खाएँगे, नहीं तो दो खाएँगे, क्योंकि राइस भी है ना। और हमारे लिए हम प्लेन रोटी, हम तेल वेल की चीज़ को बहुत थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए हम पराठे बना रहे हैं। और देसी घी के पसंद है उनको, तेल वेल के बनाओ तो बोलेंगे क्यों तेल के बनाया, जब घी है घर में तो घी के बनाने, तो उनको ही लिए बनाना है। और शायद बच्चे हमारे आज आ जाएंगे अपनी खाला के यहाँ से, आज तीन दिन हो गए गए हुए, तो सुबह आने वाले थे, लेकिन फिर क्या है हमारे दामाद को जॉब पर भी जाना है, कल मंडे है, तो उसके हिसाब से फिर रात में डिनर करके मान लो वहाँ से निकल जाएंगे। डिनर करके निकलेंगे, अल्लाह पाक हाफिज़ खैर के साथ बच्चों को हमारे पहुँचाए, तो खाने का उन लोगों का कोई टेंशन नहीं। फिर भी खाना हमने ज़्यादा बनाया है, कभी ऐसा होता है लेट रात में लेट आएंगे, कभी भूख लगी तो खा सकते हैं खाना वो। हाँ क्रिस्पी सॉफ्ट ब्रेड के आटा भून के रख दो ना 15-20 मिनट, तो बहुत अच्छा मतलब रोटियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। बता देंगे पहले ये एक्चुअली कैसे नॉनवेज कोई भी रहता है ना, मटन हो कलेजी हो पाए, मतलब पाए तो हम लोग ज़्यादातर एकदम मीडियम रखते हैं स्पाइसी, क्योंकि पाए ऐसा हैवी बहुत होता है, और अगर ज़्यादा स्पाइसी है तो बहुत फिर वो डाइजेशन के लिए बहुत तकलीफ, किसी को भी बहुत देर से डाइजेस्ट होता है, तो हम पाए कम से हमेशा जो है कम ही रखते हैं स्पाइसी। लेकिन कलेजी है, भुना गोश्त है, ये सब तो स्पाइसी अच्छा लगता है। फिर भी आज हमारी तीन हरी मिर्ची हो गई, हमारे हस्बैंड को नहीं लगता, उनको दो बताएंगे। आज हमने भी चखा है मसाला तो बहुत अच्छा हो गया, चटपटा एकदम छोला करके, लेकिन इतनी जल्दी सुबह कोई हो नहीं पाता, वही 10-11 बजते हैं, तो इसलिए हम लोग का होता है कि रात में डिनर करके हम लोग निकल जाएंगे, तो वही अच्छा है, क्योंकि जो सुबह सुबह आदमी एकदम टायर्ड होकर आएगा, कि जो ट्रैवलिंग करके
डेढ़ दो घंटा लगता है वहाँ से आने को। ऐसे तीन बनाएंगे पराठे और हम अपनी दो रोटी सादी बनाएंगे। गर्मी बहुत है, बाप रे पकाना आजकल तो बहुत समझो बहुत। किचन टेबल पोछ दें, थोड़ा सा आटा गिर जाता है बनाते टाइम रोटी। आ गए हैं हमारे यहाँ, देखिए राइस भी लेके आ गए हैं। ये आइए कोथमीर, ब्रेड भी सुबह नाश्ते के लिए आ गई। ये कोथमीर पहले हम इसका करें और बाद में कोथमीर ज़रूरी पहले डाल के कलेजी काम कंप्लीट करें। देखिए दो गड्ढी लेके आए थे धनिया, तो एक गड्ढी हमने वहाँ पे निकाल के रख दिया, ये देखिए वहाँ पे रख दिया गड्ढी। और एक गड्ढी हमने ये लिया, पूरा धो लिया, इसको वॉश करके अच्छे से धो स्टोर है। अभी हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ता निकाल दें, क्योंकि जितना भी खड़ा मसाला रहता है हमने इलायची भी इसमें से निकाल दी। देखिए गर्मी में धनिया बहुत महंगी भी है, देखिए ये 15-15 रुपए की जोड़ी है। एक जो कि हमने तले जो डाल दिया एक रख देंगे फिर अपने खाना में कल वाले काम आएगा। देखिए कितना ग्रीन है, देखिए ग्रीन कलेजी आती है, बहुत ही सच्ची जायकेदार होती है, बना के आप ट्राई करिए। ये पाव से भी अच्छी लगती है, पराठे वगैरह से। पराठे तो हमने यहाँ सिंपल आटे के ही बनाए, तो उसमें खास उसमें वो नहीं किया आटे में। सेम हम लोग ये लेके आए हैं डायनेमिक घी, थोड़ा कम ज़्यादा नमक हो जाए तो आपके लिए बहुत टेंशन हो जाता है। कम रहे बाद में आप हल्का सा डाल लो चलेगा, ज़्यादा हो जाए तो उसको कम कहाँ से करेंगे। इससे अच्छा है तो कम ही डालो नमक। आप ग्रीन एकदम कलर देखे, अभी हो गया ऑलरेडी। बस हम बंद करेंगे, प्याले में सर्व करके आपको बताएंगे। ये हमारे रेडी हो गए हैं कलेजी और पराठे। और ये हमने प्याज टमाटर कोथमीर की सलाद बनाई है। और ये मिर्ची है जिसका हम बच्चे लोग चाहेंगे तो वो खा सकते हैं। और ये हमारी मूंग की दाल है, ये मतलब छिलके वाली मूंग की दाल रहती है भीगी हुई, उसको नमक डाल के बॉईल किया है। ये हमारे हस्बैंड को ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी चीज़ें बहुत पसंद है उनको। अब यहाँ लेट्यूस वगैरह मिलता नहीं, वरना इसकी सलाद भी बना सकते हैं। कांदा इसमें डाल के, लेट्यूस है, कोथमीर, टमाटर, ककड़ी, ये सब डाल के बहुत अच्छा इसका सलाद बनता है। तो फिलहाल मेरे पास अभी हमने ये बॉईल किया इसको, और बहुत पूरा कुक नहीं किया है, ये देखिए आधा बस आधा गला है, ये देखिए आधी दाल गली, वही हेल्दी होती है। तो अब ये हमारी हो गई कलेजी ये पराठे। चलिए फिर ख्याल रखिए, अपना दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।